नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, लॉटरी सट्टा जिताती है ये देवी, जाने किस देव आराधना से होगा कौन सा कार्य सिद्ध। सभी जानते हैं कि शासन व्यवस्था में अलग अलग विभाग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पुलिस विभाग, कोर्ट, चुंगी विभाग आदि। अगर किसी को रिपोर्ट करना है और वह जज के यहाँ रिपोर्ट भूल से करे तो जज यही कहेगा कि पुलिस थाने में रिपोर्ट करो। तात्पर्य यह है कि जैसे यहाँ पृथक पृथक कार्य विभाग हैं, उसी प्रकार देवताओं पर भी अलग अलग विभागों का उत्तरदायित्व है। अपना जो अभीष्ट कार्य है उसी के अधिकारी देवता की आराधना से कार्य सफल होगा। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में लिखा है कि जो प्राणी अपना सत्य बढ़ाना चाहे उसे ब्रह्मा जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इंद्रियों को पुष्ट रखने के लिए इंद्र की पूजा आराधना करनी चाहिए। धन की इच्छा रखने वालों को लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तेज बढ़ाने के लिए अग्नि की पूजा आराधना करनी चाहिए। अन्य हाथी घोड़ा आदि सवारी के इच्छुकों को आठों वसुओं की पूजा आराधना करनी चाहिए। स्वयं को सुंदर एवं रूपवान बनाने के लिए कान देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। बुद्धि के लिए रुद्र की, अधिक बल चाहने वालों को इला देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। सुंदरता के लिए गंधर्व की पूजा आराधना करनी चाहिए। सुंदर स्त्री की कामना पूर्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की पूजा आराधना करनी चाहिए। यश कीर्ति के लिए नारायण की पूजा आराधना करनी चाहिए। विद्या लाभार्थ शंकर की पूजा आराधना करनी चाहिए। विशेष विद्या के लिए सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। परिवार वृद्धि के लिए दिव्य पितरों की पूजा आराधना करनी चाहिए। परिवार की रक्षा के लिए पुणात्मा जीवों की पूजा आराधना करनी चाहिए। कला के अनुसार राज्य में पदोन्नति के लिए मनु की पूजा आराधना करनी चाहिए। शत्रुनाश के लिए विकट राक्षस की पूजा आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा आराधना करनी चाहिए। दीर्घायु चाहें तो अश्विनी कुमारों की पूजा आराधना करें। सुंदर स्त्री पति चाहे तो उसे पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। मुकदमा जीतने के लिए बगला मुखी की पूजा आराधना करनी चाहिए। कष्ट निवारण के लिए कार्तिक दुर्गा देवी की आराधना करें। सतीत्व वृद्धि के लिए सती सावित्री, सती अनुसुईया की पूजा आराधना करनी चाहिए। मर्यादा रक्षा के लिए श्री राम की पूजा आराधना करनी चाहिए। सुख आनंद प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। फोड़ा फुंसी रक्त विकार से बचाव के लिए श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। लॉटरी सट्टा में सफल तार्थ सपने वरी देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। रोग निवारण के लिए श्री गंगा जी की आराधना करें। आराधना मंत्र विधि आदि अपने निकटस्थ अनुभवी विद्वानों से जान लेनी चाहिए। पूजन स्वयं करना उत्तम होता है। यदि अन्य द्वारा पूजन कराएं तो यजमान या देख ले कि वह व्यक्ति वास्तव में अनुभवी भी है या नहीं। कई बार मात्र वृद्ध या त्रिपुंडधारी बाबा को देख कर ही पूजा पाठ करा बैठते हैं, जिसे लाभ होना असंभव है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।